हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग राधे राधे सत सताल नमस्कार कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिसर की पाठशाला में तो जैसा कि आप सभी को सूचना और इन्फॉर्मेशन न्यूज़ मिल चुकी होगी कि जो के वी म्यूज़िक का है वो अपॉइंटमेंट लेटर लगभग मेल पर मिलना चालू हो गया है तो जिनको नहीं मिला वो जल्द ही आपको मिल जाएगा पहले मेल पर आएगा उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भी ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो ये एक स्टूडेंट का है बारह दो दो को इनका अपॉइंटमेंट लेटर आया है तो देखते हैं इसमें क्या सारी चीज़ें लिखी हैं तो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर म्यूजिक जैसा कि पहले ही बता दिया तो इसमें लिखा है ग्रेड पे ग्रेड पे, पे पहले लिखा है पे मैट्रिक्स लेवल सिक्स का है और लगभग पैंतीस हज़ार चार सौ से एक लाख बारह हज़ार चार सौ की वैकेंसी सैलरी रहेगी आपकी इनकी पोस्टिंग जो हुई थी बेंगलुरु रीज़न में हुई है तो अब आगे चलते हैं तो दिस तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू तो द कैंडिडेट प्रोड्यूसिंग मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ़ फिटनेस इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तो आप लोग सबसे पहले इसको बनवा लीजिए दूसरा है इसमें दूसरा लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट क्या है इफ़ द कैंडिडेट इज अ वूमेन सी शुड क्लेरिफाई दैट

कोई टी ए डी ए तीसरे पॉइंट में लिखा है कोई टी ए डी ए नहीं मिलेगा आपको ट्रेवल अलाउंस डियरनेस अलाउंस कोई नहीं मिलेगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती दो इयर्स आप तक क्या रहेंगे आप प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे ठीक है और जैसे ही सक्सेसफुल होगा उसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे पीआरटी टीचर पांचवा पॉइंट है ड्यूरिंग द प्रोवेशन एंड देर आफ्टर अटिल सी इज कन्फर्म द सर्विस ऑफ अपॉइंटमेंट अपॉइंटीज आर टर्मिनेबल द अपॉइंटीज अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ अपॉइंटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रोवेशन पीरियड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देर ऑफ तो जब तक आप प्रोवेशन पीरियड पर रहते हैं तब तो तक आपको हटाया जा सकता है ये लिखा है लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है छठवां है अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस सर्विसेज गवर्निंग द अपॉइंटमेंट आर एस लेट डाउन इन द एजुकेशन कोड ऑफ केंद्रीय विद्यालय एस अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम रेलिवेंट रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर स्कीम नेमली केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉयज़ वेलफेयर स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूसड तो एक एम्प्लॉय एक क्या होता है कि भाई एक एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम होती है तो उसके समय कुछ पैसे उसमें जाएंगे तो सौ दो सौ रुपये वो मैटर नहीं करता सातवां है ही सी विल बी एलिजिबल फॉर द न्यू रीस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम तो पेंशन जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे तो जो भी फैसिलिटीज होगी वो आपको मिलेगी ठीक है आठवां है द अपॉइंटीज द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स ऑफ शड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवेट कार्ड क्लासेस पी डब्ल्यू ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स इशूड बाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसीज इफ द वेरफिकेशन रिविल्स दैट द क्लेम टू एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी एज द केस में बी इस फॉल्स द सर्विसेज विल बी टर्मिनेटेड फॉर्थ विथ विदाउट असाइनिंग एनी फर्दर रीजन्स एंड विदाउट प्रीजूटीज टू सच फर्दर एक्शन एस मे बी टेकन अंडर द प्रोविजन्स ऑफ़ द इंडियन पैनल कोड तो सीधा सा बात इसमें यही लिखा है भाई कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओ बी सी हो चाहे एस सी हो चाहे पी डब्ल्यू डी हो ई डब्ल्यू एस हो वो आपका अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो ये आपके पास होना चाहिए अगर गलत पाया जाता है तो आपको सजा सुनाई जा सकती है नोवा ही सी विल फिल अप द करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रेजेंट फोटोग्राफ एंड विल हैंड ओवर द सेम टू तो द कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड प्रिंसिपल कंसर्न तो ये एक सारा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होगा आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो एक एंटीसीडेंट फॉर्म होता है या करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म होता है एक प्रोफारमा होगा वही फिल के फिल करना है आपको ठीक है दसवां है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और क्लेम अगेंस्ट द केंद्रीय विद्यालय तो ये सारी चीज़ें अलग हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में ही दिल्ली हाई कोर्ट्स में ही इसकी सुनवाई होगी है इफ़ सी एक्सेप्ट द ऑफर ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन एज मैंसन इन दिस ऑफर ही शुड ज्वाइन द केंद्रीय विद्यालय रीजनल ऑफिस मैंसन ओवर लिफ ऑन बिफोर चार तीन दो हजार चौबीस तो जो है आपकी ज्वाइनिंग डेट है भाई आपको चार तीन दो हजार चौबीस के पहले ज्वाइन कर लेना है ठीक है लास्ट डेट है इसके पहले आपको ज्वाइनिंग कर लेना है To necessary, necessary performer for the purpose are included, which should be submitted to the principal concerned after getting the same dali completed at the time of joining if the offer is not accepted or the appointee does not report for duty at the above name vidyalaya regional office at chart in 2024

तो भाई ऐसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें देते हैं तो आपको डिसमिस किया जा सकता है सर्विस से तेरवा है ही सी विल बी लाइबल टू बी ट्रांसफर्ड एनी वेयर इन इंडिया इन तो आप लाइबल होंगे भाई किसी भी इंडिया में किसी भी के में आप ट्रांसफ़र किया जा सकता है आपका चौदह है हिज हर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विच विल भी टेकन अप बाय द रिक्रूटिंग एजेंसी तो आपका बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन होगा जब आप ज्वाइनिंग के टाइम जाएंगे ठीक है जो रिक्रूटिंग एजेंसी होगी वो वो आपका बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन करेगी पंद्रह है ही सी विल नॉट रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर बिफोर द कंप्लीसन ऑफ टेन्योर एट द प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट और एस पर एस ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन तो भाई अब जब तक आपका जो ट्रांसफर का ड्यूरेशन होता है पाँच साल तीन साल आप तब तक नहीं कंप्लीट कर सकते तब तक आप ट्रांसफर के लिए नहीं बोल सकते हो सोलहवां है इट इज़ ऑल्सो मेड क्लियर दैट रिप्रेजेंटेशन फॉर चेंज इन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल नॉट बी एक्सटेंड entertained under any circumstances. At the same time, extension of time to join the post will also not be considered. तो इसमें ये सोलहवें पॉइंट ये कहता है कि भाई आप अगर जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है अगर आप वो चेंज कराना कर चाहते हैं तो नहीं होगा किसी भी सरकमस्टेंसेस में और जो एक्सटेंशन जैसे होता नहीं है कि आप कहेंगे कि दो महीने बाद हम ज्वाइन कर लेंगे तो ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं मान्य होगा सत्रह है फॉर सबसिक्वेंट प्रोमोशन द इनक्यूबेंट विल हैव टू एक्वायर द रिक्विड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डिग्रीज फ्राम रिकगनाइज यूनिवर्सिटी एज फार एज अपलिकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन तो सत्रहवां पॉइंट जो है वो यही कहता है कि आप प्रमोशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं फ्यूचर इन फ्यूचर तो आपके पास सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा या प्रोफेशनल डिग्रीज होंगी वो रिक्वायरमेंट उसकी जरूरत पड़ेगी ठीक है और होना चाहिए आपके पास अठारवां है द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट केसेस ऑन रिलवेंट मैटर बिफोर द हॉनरेबल कोर्ट्स इन इंडिया तो भाई जो ये अपॉइंटमेंट है ये प्रोविजनल माना जाएगा अगर कोर्ट का जो मामला है इन केसेस पर अगर कोई डिसीजन आता है तो ये आपके ऊपर भी अप्लाई होगा पहला इट इज मेड क्लियर द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट टू द लास्ट कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट टू द पोस्ट ऑफ पीआरटी म्यूजिक सेल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द ये कोई केस नंबर है तो ये जो केस नंबर है इसका जो आउटकम होगा ये अप्लीकेबल होगा मतलब जैसे ही रिजल्ट आएगा उसका अप्लीकेबल होगा आपके ऊपर द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ पीआर म्यूजिक इन्वॉल्व इन के वी इन सब्जेक्ट टू तो आउटकम ऑफ ओ ए अट्ठाईस बारह तो ये कोई केस ये भी है सी तो ये भी एक केस है तो ये सारे केस के जो मामले हैं अगर रिजल्ट कुछ ऐसा आता है जिससे आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो इसको जरूर अपलिकेबल होगा आपके ऊपर यही चीज़ें इसमें लिखी है ठीक है उन्नीस से द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड मैंडेटरी टू के वी एस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तो ये ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो देख लीजिए करेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म एलॉन्ग विथ थ्री रिसेंट फोटोग्राफ्स तो एक करेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा होगा नहीं होगा तो आप हमसे ले लीजिएगा ठीक है आप जिस रीजन से ये आया है ऑफर लेटर उस ऑफिशियल वेबसाइट पर उस रीजन के जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे जो हैं ये प्रोफार्मा मिल जाएंगे आपको तो करेक्टर सर्टिफिकेट होगा एंड एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन फॉर्म तीन फोटोग्राफ तीन फोटोग्राफ होनी चाहिए रेसेंट द फॉर्म इज टू बी कलेक्टेड बाई द प्रिंसिपल ऑफ द के वी हु विल सेंड द सेम टू द कंसर्न अथॉरिटी डी एम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू विच द candidate बिलोंग्स immediately टू गेट इट verified इट may बी ensured that द verification रिपोर्ट इज received एट द earliest और दूसरा पहला मैंने बता दिया करेक्टर सर्टिफिकेट का परफार्मा रहेगा और दूसरा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर इसी को बनवाने में टाइम लगेगा तो जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो सी आपके जो आ, जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ सीएमओ होते हैं सीएमओ एम ओ से जाएँगे तो आप एक परफारमा होता है उसको फिल करके जाइएगा वो बना देंगे ठीक उस पर सिग्नेचर कर देंगे या कोई डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है उससे भी बनवा सकते हैं या उसके इक्विवेलेंट कोई भी मेडिकल ऑफिसर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल अगर आपके पास कोई सरकारी अस्पताल है तो वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी बन जाएगा ठीक तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट तो ये आप एक परफारमा है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट उसको फ़िल करिएगा और उस पर सेल्फ अटेस्ट करके वो भी लेके जाना है एक ओथ ऑफ एलिगेंस का भी इसका भी परफार्मा है उसको भी फिल करना है पचवा है स्टेटमेंट ऑफ मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड लाइबिलिटीज उतना खास नहीं है लेकिन इसका भी एक परफार्मा है इसको भी आपको फिल करना है ठीक है अब नोट द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स इज सेक्ट टू वेरीफिकेशन ऑफ दर डॉक्यूमेंट फिजिकली एंड फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिलिटी का क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टेड पोस्ट बाई द कंपीटेड अपॉइंटिंग अथॉरटी तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपकी वेरीफाई होंगे तभी आप और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है अगर आप सही पाए जाते हैं तभी आपको अपॉइंटमेंट आपका आपको दिया जाएगा बाकी ये सारी चीज़ें ऑफिस की हैं ठीक है तो ये आपके लिए नहीं है तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इसमें क्या चीज़ें हैं पहली चीज़ दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पहली चीज़ क्या है कि आपको चार मार्च से पहले ज्वाइन करना है जाके ठीक चार तीन दो हज़ार चौबीस ये इम्पोर्टेंट डेट है डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो इसका सारा जो भी जिसमें डॉक्यूमेंट लिखा है प्रोफार्मा है ठीक है आपका जैसे जिस के वी के रीजनल ऑफिस से आया है उसके रीजनल ऑफ़िस पे चले जाइएगा वेबसाइट्स पे उसकी वेबसाइट्स पे जाइएगा तो वहाँ पे प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा ठीक है सारा परोफार्मा डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको फिल कर लीजिएगा कई कॉपी दो तीन कॉपी ले लीजिएगा निकाल लीजिएगा उसको फिल कर लीजिएगा और फिल कर लीजिएगा बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठीक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है उसका प्रोफार्मा है फिल करना है सिग्नेचर कराना है किसी गजेटेड ऑफ़िसर से या कोई प्रिंसिपल हो कोई किसी कॉलेज का कोई जो आपको पाँच छः साल से जानता हो ठीक उसे कराना है वहीं मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप सी बनाएगा ठीक है चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है या आपके अगल बगल कोई सरकारी हॉस्पिटल है तो उसमें जाएंगे आप बन जाएगा और तीन रिसेंट फोटोग्राफ्स रखिएगा बाकी जो भी ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं डिग्री एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जो आपने इंटरव्यू के समय लेके गए थे जो आप वही रखिएगा अपने पास एक फोटोकॉपी बाकी यही सारी चीज़ें हैं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर मैंशन करिएगा बाकी ऑल द बेस्ट यही सारी चीज़ें थी तो धीरे धीरे सभी के अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएंगे और जिनका नहीं आया है उनको भी आ जाएगा ठीक है और जो चार पाँच छः आर के जो भी आए हैं और जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा धीरे धीरे बाकी ऑल द बेस्ट